अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उड़ान विद्यालय शिमला में योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के विशेष बच्चों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित न्यू शिमला वार्ड पार्षद निशा ठाकुर ने कहा कि विशेष बच्चों ने कार्यक्रम का आनंद लिया। उन्होंने कहा कि अपनी दिनचर्या में योग को अपनाने से सकारात्मकता आती है, तो वहीं नशे से दूर रखने में योग का महत्वपूर्ण योगदान है। आज हमने योग दिवस मनाया। पहले तो हमने सुबह 5:30 डीएवी न्यू शिमला में अपनी एसोसिएशन आरडब्ल्यूएस एसोसिएशन है उसके माध्यम से वहाँ योग दिवस मनाया, और बच्चों डीएवी स्कूल के बच्चे भी थे हमारे साथ। हमने बच्चों को भी प्रेरित किया कि हमें रोज़ योगा करना चाहिए। वो इसलिए करना चाहिए कि इससे हमारा मन शांत रहता है और योग से हमारी शरीर से सारी बीमारियों का नाश होता है। अगर हम अपनी दिनचर्या में योग को अपना लेते हैं तो इससे हमारी ज़िंदगी में एक पॉजिटिविटी आती है, जो आजकल बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो नशों से दूर रहें और इन चीज़ों में जाएं। और आज इस वक्त हम उड़ान में उड़ान के बच्चों के साथ, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ स्पेशल चाइल्ड्स हैं, इनके साथ हम योगा दिवस मना रहे हैं। और मैंने देखा कि इन बच्चों को बहुत इन्जॉयमेंट हो रही है, बच्चे जितना इनसे हो पा रहा है वो कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हम अपनी सोसाइटी वालों से सबसे कि हम कोई भी फेस्टिवल है इन बच्चों के साथ आके ज़रूर सेलिब्रेट करें, जैसे अपना बर्थडे है, जैसे आज हमने 21 जून को योग दिवस मनाया। इस बार का जो हमारा 2023 का जो लक्ष्य है कि इसका वो है कि वासुदेव कुटुंबकम, मीन्स कि जो विश्व है हमारा ये एक परिवार है, और योग के माध्यम से हम चाहते हैं कि सारे विश्व से हम हर तरह की बीमारियों को दूर करें। 2015 में जैसा कि आप जानते हैं मोदी जी हम प्रधानमंत्री जी ने ये स्टार्ट किया था, और हर वर्ष हम इसे 21 जून को मनाते हैं। और इस बार तो हमने मैं चाहती हूँ कि हर क्षेत्र में इसे आगे बढ़ चढ़ के सब लोग योगा करें, ताकि हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आए और हम स्वस्थ रहें। आज सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमने सुबह सबसे पहले अपने वार्ड नंबर 31 में शुरुआत की है, जो आए मतलब रूटीन का वो है हमारा, वहाँ पे 7 से 8 बजे तक हमारा योग होता है। और आज दूसरा जो हमने आज ये उड़ान स्कूल है यहाँ पे, इन बच्चों के साथ मिलके हमने आज इनको योग दिवस के रूप में हमने इनके साथ मनाया, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये इतने मासूम बच्चे हैं कि इनको मतलब किसी चीज़ की समझ नहीं है, लेकिन जब आज हमने वीडियो के द्वारा इनको ये प्रोग्राम दिखाया तो ये उस एक्टिविटी को कर रहे थे। तो मुझे बहुत खुशी है कि अगर हम छोटा सा भी कोई कार्यक्रम करें और उनके चेहरों पे जो मुस्कान आती है तो उससे बड़ी खुशी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये बच्चे इस तरह के हैं कि इनको कोई पता नहीं है क्या दिनचर्या है क्या है, कुछ नहीं मालूम है, लेकिन आज योग दिवस पे हमने ये इनके लिए यहाँ पे कार्यक्रम रखा है। और मैं धन्यवाद करूँगी अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने 2015 में ये शुरुआत की थी और 21 जून को जो ये योग दिवस में हम पूरे प्रदेश में इसको मनाते हैं। तो मैं आज यहाँ पे जो मैम प्रिंसिपल है उनका भी धन्यवाद करती हूँ, और जो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर है, वॉलंटियर्स हैं, जितने भी हैं जो इन बच्चों को देख रेख करते हैं, और इतना जो इन बच्चों के लिए प्यार और सारा इनका कार्य जो होता है वो सब करते हैं ये, तो हमेशा आए दिन कुछ ना कुछ यहाँ कार्यक्रम होता रहता है तो ये हमें बुलाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि आज के दिन हमने इनके साथ अपना योग दिवस मना